साथियों, आज तीज का त्योहार है। आज सावन का इस पावन उत्सव को साथ आपका व्यस्त जीवन से इतने थोड़े से काम निकाल के हमें दिए हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम हरियाली तीज मनाने जा रहे हैं, इस हरियाली तीज में आपका आने से ये दुगुना हो गए। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ सर, आप सब ने इसको चौगुना कर सकते हो एक तालियों के गुण से। एक एक प्रोग्राम होते जाए सर, आप ताली देते रहिए। हमारा जो मेहनत हमें लगेगा, जो हम वाकई हम मेहनत की अगर सफल हो गए, आपसे सर यही मेरा गुजारिश है। आगे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी सर। धन्यवाद सर। मैं अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैम मीनाक्षी मैम को बुलाना चाहती हूँ। मैम प्लीज आइए, आप अपना माइक संभालिए। हेलो। बारिश की बौछारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, प्रकृति की हरियाली, चेहरे पर खुशहाली, पेड़ों पर झूले पड़ गए, आओ सभी मनाए तीज का त्योहार। इस पर्व पर मेरी सभी को तीज की शुभकामनाएं। गुड इवनिंग डीआरएम सर, एडीआरएम सर, लवली लेडी एंड जेंटलमैन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी ऑस्पिशियस फेस्टिवल। तीज इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट the goddess Parvati and Lord Shiva. ऐसा कहा भी गया है कि पार्वती जी ने 108 वर्षों तक कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। मैं भी थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ इतना ही चाहूंगी, अखंड सौभाग्य का प्रतीक तीज आप सबके जीवन में हर्षोल्लास का इंद्रधनुष ढककर छा जाए। अब मैं डीआरएम सर, एडीआरएम और सभी सखी साथियों से आग्रह करती हूँ कि दीप को प्रज्वलित करने का काम जगह पर बैठ जाए।
अदिति सुनीता। खुशी में शामिल होती है हमारी सहेलियां, न खून का रिश्ता न रिवाज से बंधे हैं, फिर भी पल पल में हमारी साथ देती है हमारी सहेलियां। आज का पहला गेम्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। गेम्स में मैं हूँ, मेरे साथ पूनम है और अदिति जी भी हैं, शर्मिला जी भी हैं। तो सहेली आप लोग रेडी है? कुछ बोलिए, कुछ क्लैपिंग कीजिए, कुछ रिस्पॉन्स तो कीजिए। अरे शाम तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत देर बाकी है। तो आज की हमारी पहली गेम है, कौन कौन आज मैचिंग पर्स लाया है, कौन कौन लाए है, दिखाइए दिखाइए पर्स दिखाइए। Please vote. Vote for contestant. कौन है?
तो आप चेक करिए कैसे कैसे क्राइटेरिया है। येलो येलो और सबका ही है, किसी एक को ही देना है। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वोटिंग कर दीजिए प्लीज। शिखा जी, प्रेमा जी, स्मृति जी, है ना। कुछ लिख के लाई है वो आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू। आदरणीय डीआरएम सर, एडीआरएम सर, वाइस प्रेसिडेंट मैम, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मेरी सारी सहेलियाँ, आप सबका अभिनंदन और तीज के इस पावन संध्या पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश एक उत्सव भरी देश है। हर छोटे बड़े मौके को उत्सव में बदल देना हमारी विशेषता है। इसी क्रम में आता है आज का ये तीज उत्सव। वस्तुतः हमारे देश की प्रत्येक ऋतु अपना अलग रंग लेकर आती है। सावन का भी अपना अलग रंग है। सावन का नाम आते ही हमारे जहन में आता है हरी हरी धरती, पेड़ों पर झूले और झूले पर झूलती रंग बिरंगी रंगनियाँ। इसके साथ ही गर्मी से तपती धरती पर पड़ती वर्षा की फुहार दिलो दिमाग में ताजगी और सुकून भर जाता है। वर्षा के बाद धीमे धीमे झूमते पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो नायिका नहाकर अपने बालों का पानी झटक रही हो। ऐसे में बरबस ही मन मयूर झूम उठता है और मन में कविताएं अंगड़ाई लेने लगती हैं। तो आइए मैं आपके सामने पेश करती हूँ अपनी ये रचना। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। हर्षित धरा हर्षित है व्योम, हर्षित धरा हर्षित है व्योम, हर्षित प्रकृति का रोम रोम। हर्षित धरा हर्षित है व्योम, हर्षित प्रकृति का रोम रोम। ऐसी मादक बेला में आओ सब मिल प्यार करें, आओ मन का श्रृंगार करें, आओ मन का श्रृंगार करें। नव पल्लव से कुसुमित हुआ, नव पल्लव से कुसुमित हुआ, नीम कदम महुआ पीपल लगी कुहकने पेड़ों पर, छेद तान मीठी कोयल लगी कुहकने पेड़ों पर, छेद तान मीठी कोयल। खोल गांठ अपने दिल का, खोल गांठ अपने दिल का, खुशियों का संचार करें, आओ मन का श्रृंगार करें, आओ मन का श्रृंगार करें। और चुनर पीली धानी, और चुनर पीली धानी, देखो धरती इछलाती है। और चुनर पीली धानी, देखो धरती इछलाती है, लदकर बौरों से अनुआ भी गुन 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 कुछ गाती है। भरकर जीवन में प्रेम शहद, भरकर जीवन में प्रेम शहद, हम भी अपना उद्धार करें, आओ मन का श्रृंगार करें, आओ मन का श्रृंगार करें। सज धज कर आया है सावन, सज धज कर आया है सावन, हरियाली ओढ़े दिग दिगंत, हम भी सज लें तन मन यौवन। सीमाओं के पार चलें, आओ मन का श्रृंगार करें, आओ मन का श्रृंगार करें। कुछ तेरा रंग कुछ मेरा रंग, कुछ तेरा रंग कुछ मेरा रंग, सब हो जाए जब एक संग। कुछ तेरा रंग कुछ मेरा रंग, सब हो जाए जब एक संग। आ उससे नव संसार करें, आ उससे नव संसार करें, आओ मन का श्रृंगार करें, आओ मन का श्रृंगार करें, आओ मन का श्रृंगार करें। धन्यवाद। मेरी इस रचना के बाद आप सबको लिए चलती हूँ नृत्य के खूबसूरत दुनिया में, जहाँ हमारी चार अप्सराएं ऐसी मनमोहक छटा बिखेरने वाली हैं जिससे निश्चित ही जादू सा छा जाएगा। तो चलिए फिजा को महकाने चहकाने और अपनी भाव भंगिमाओं से समा बांधने आ रही हैं हमारी ये चार सखियाँ। प्रस्तुत है नृत्य नैनो वाले ने। धन्यवाद। Thank you.
मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सामान। और इसके साथ जो हम मिट्टी को बुलाना चाहते हैं डांस के। Thank you.
continuation of that, we shall be having something related with Bollywood. So I request the Mr. Inspector to kindly distribute 1 page each to everyone. जिनके पास आप एक जो पेज है साथ में पेंसिल दे दीजिए, कुछ लाइटें पीछे पीछा की लाइटें ऑन करा दीजिए, पीछे की लाइटें ऑन कर दीजिए. सी द गेम इज वेरी सिंपल. दिस इज अ गेम इन विच देर आर सम फेमस डायलॉग टीम वुडर्स सीन टू लेट. फॉर एन एग्जाम्पल आपके सामने एक फोटोग्राफ आएगा, फोटोग्राफ के साथ में वो डायलॉग आएगा, डायलॉग के कुछ शब्द जो हैं छुपे हुए होंगे, वो शब्द आपको उस कागज पे लिखना है. अरे नंबर वन, इसमें दो चीजें हैं, ये डैश हमको दे दे, डैश 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 जो है एक नंबर पर फटाफट लिख दीजिए, कोई बोलेगा नहीं शांत रहेगा. नेक्स्ट, इतना डैश क्यों है भाई, अपन डैश से लार्ज हुआ है, अभी डैश होना बाकी है. ये मूवी समझ आ रही है इसको? अभी तो अपन इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये एनजेपी में होता तो बेहतर रहता. अभी तो अपना स्मॉल से लार्ज हुआ है, अभी पटियाला होना बाकी है. तो ये नेक्स्ट, चल डैश, आज तेरी डैश की इज्जत का सवाल है. हाँ जी, चल डैश, आज तेरी डैश की इज्जत का सवाल है. नेक्स्ट, जिसने डायलॉग को सुने बताने की जरूरत नहीं है कितने डैश थे. ओके, नेक्स्ट, आधे डैश जाओ, आधे डैश जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ. किसका बंदा है सब जानते हैं. ओके, इट्स डन. नेक्स्ट, इन डैश के सामने मत नाचना. ओके, मुस्कुराहट नजर आ रही है लोगों की चेहरों पर. नेक्स्ट, जो डैश गया समझो, डैश गया. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, वेट वेट, बड़े बड़े डैश में ऐसी छोटी छोटी डैश होती रहती हैं, क्या होती रहती हैं? हाँ जी सर, सबके हाथ चल रहे हैं. ओके, कितने कितना इनाम रखे रहे डैश हम पर, पूरे 5 लाख का. हाँ जी, अरे वो इतना इनाम रखे रहे. नेक्स्ट, क्या सोच कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, हंसी देगा. ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ स्माइल, गुड गुड गुड. तू तो बेवकूफ हैगा, डैश तो आदमी डैश के बाद ही हुए है. ध्यान से लिए हम सब पे लागू है. तू तो बेवकूफ हैगा, डैश जैसा हो गया है ये आदमी, कहीं से भी डैश रहा है. फिर नंबर यू रिकॉग्नाइज दिस लेडी, हाँ कितने लोगों ने डैश कर दिया है. ओके, तेरा बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक दिस इज कॉमन थिंग. ओके, इसको तो शायद सभी को नंबर मिल जाएगा. शांत 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 शांत. ओके, नेक्स्ट,
डैश गोली और आदमी डैश, बहुत नाइंसाफी है। डैश डैश गुड एंड बाय रेशियो इज 50%। जब तक तेरे डैश चलेंगे इसकी डैश चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। हाँ जी, जब तक तेरे डैश चलेंगे इसकी डैश चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। नेक्स्ट गड़बड़ी है। टेस्ट टेस्ट डैश मेरे साथ और घर ले जाओगे मेरी डैश को। बता देता हूं थोड़ा मुश्किल लगा है। टेस्ट ड्राइव मेरे साथ और घर ले जाओगे मेरी बेस्ट फ्रेंड को। एनीवे ये लिख लीजिए, सबको बराबर करने में मिलेगा। टेस्ट ड्राइव मेरे साथ और घर ले जाओगे मेरी बेस्ट फ्रेंड को। नेक्स्ट, जब शराफत के डैश उतरते हैं तब सबसे ज्यादा मजा डैश को ही आता है। डर्टी पिक्चर। हाँ जी सर, नेक्स्ट, ये क्या खबर छपी है, डैश की रेस में अब डैश भी दौड़ेंगे। एनीबडी कैन टेल मी द नेम ऑफ द फिल्म? वेलकम, क्या बात है, फिर आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, अब मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, इसका ओपन कर देता हूँ। अब प्यार न हुआ तुम्हारा डैश का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर नहीं हुआ। अब प्यार न हुआ तुम्हारा डैश का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा। एक डैश बनी है, इसे डैश है तो लाइन बन जाएगी, वरना डैश कर दी उसके बाद तो मैं डैश की भी नहीं सुनता। दिस मोस्ट ऑफ यू शुड बी एबल टू गेट इट। एक बार मैंने डैश कर दी उसके बाद तो मैं डैश की भी नहीं सुनता। नेक्स्ट, मैं तेरा पीछा हूंगा। डैश वे डैश नहीं खाता। हाँ जी सर, मैं आज ही। नेक्स्ट, अच्छा दिस इज रिपीटेशन, इट इज रिपीटेशन बट यू कैन स्टिल राइट, डोंट लीव दैट। बड़े बड़े डैश में ऐसी छोटी छोटी डैश होती रहती है। हाँ, दिस इज रिपीटेशन बट यू राइट so that the serial is not broken, right? जिस आधी तूफान में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं उसमें हम अपना डैश और डैश सुखाते हैं। जिस आधी तूफान में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं उसमें हम अपना डैश और डैश सुखाते हैं। Next, जो मैं हूं वो मैं डैश हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं ट्रेंडी डैश हूं। तीन है इसमें, तीन लिखेंगे तीन नंबर मिलेंगे, दो लिखेंगे दो नंबर मिलेंगे। आई कैन सी या इसके शीट भर रहे हैं, वेरी गुड वेरी नाइस। नेक्स्ट, हम डैश क्या हुए, दुनिया डैश हो गई। एनीबॉडी? नेक्स्ट, गली के डैश का प्यार अक्सर, इसका आंसर एक 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 लाइन में बता देता हूं। गली के डैश का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं, दिल छोटा न कर यार। गली के डैश का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं, दिल छोटा नगर यार।
कुछ डॉक्टर इंजीनियर इस रूम में भी बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, हे भाई, अगर मैं डैश चलाएगा तो डैश क्या चलाएगा? अरे भाई, अगर मैं डैश चलाएगा तो डैश क्या चलाएगा? नेक्स्ट, डैश से डर नहीं लगता साहेब, एक बार बता दिया है, डैश से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता है। नेक्स्ट, उतार कर फेंक दे बंदी और पहन ले डैश का पट्टा अपने गले में। That was their start in Kalina in you on my foot, my foot. This is a bit different. Next. इसमें बताने की जरूरत नहीं है, most of you related. Next. ये कहा? No, चलिए not done. गर्लफ्रेंड पहले पहले तो ऐसी लगती है कि धीरे धीरे उसके जैसा फील देती है और फाइनली सीधे हार्ट अटैक। गर्लफ्रेंड पहले पहले डैश जैसी लगती है, किसके जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे डैश जैसा फील देती है एंड फाइनली सीधे देती है हार्ट अटैक। नेक्स्ट, डैश खेलने का शौक है पर तेरी डैश में दम नहीं। Many of you would be able to get it. डैश खेलने का शौक है, कौन सा मुस्कुरा रहे हैं, कम लोग मुस्कुरा रहे हैं। डैश खेलने का शौक है पर तेरी डैश में दम नहीं। नेक्स्ट, आगे मेरी डैश का डैश दिखने, आगे मेरी डैश का डैश देखने। तो उसमें लाइन किसको बताता हूँ, मुंबई शहर है, कुछ भी हो सकता है इधर, कुछ बोलो, इट्स नॉट व्हाट इज नॉट गुड, इसको लाइन कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कर देंगे। स्पीक ऑफ दिस लाइन सर, डैश की परवाह करूंगा तो डैश पूरा मान जाएगी, मान जाएगी। रास्ते की परवाह करूंगा तो डैश पूरा मान जाएगी। नेक्स्ट, लाइफ में सबसे बड़ा डैश होता है तो डैश ना लेना। इट इज द सेम मैं आई होप साहेब, वरना डैश को कौन नहीं जानता, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। इस डैश में नहीं आई होप साहेब, वरना डैश तो कौन नहीं जानता। अता माझी, अता माझी डैश। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, पहला बता देता हूं, बताने की जरूरत है नहीं, नहीं जरूरत है। डैश कब है, कब है डैश? नेक्स्ट, जब तक इस देश में डैश है लोग डैश करते रहेंगे, समझ गए? ओके नेक्स्ट, पैदा तो मैं भी डैश हुआ था पर डैश से अपनी कभी बनी नहीं। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर डैश से अपनी कभी बनी नहीं। नेक्स्ट, ये मूवी ध्यान रही है, आराम चूल्हे से डैश निकालने के लिए, चूल्हा जानते हैं, रोटी बनती थी, चूल्हे से डैश निकालने के लिए डैश को अपना मुंह जलाना पड़ता है, थोड़ा लगेगा, डैश तो गोल्ड होता है, थोड़ा लगेगा डैश। चार और बजे हैं, लेकिन फिनिश तक। नेक्स्ट, एक डैश सारा आदमी को डैश बना देता है, एक डैश वाला आदमी को डैश बना देता है। बस ऐसे
जाने दो। ऐसे मौसम में एक दूसरे के साथ थोड़ा झूम लिया करो। तो देवी और सज्जनों, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी स्टेज पर धूम मचाने और रंग जमाने आ रही है हमारी सखिया। हमारी अगली प्रस्तुति है एक डुएट डांस, जिसको पेश करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी नील कमल जी और प्रेमा जी को। मंजरी और रेशमी, हमारी रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी सिबड़ी मैम, उनके साथ हमारी सब बहुत सी प्यारी लग रही है आज। वेद जी एकदम पंजाबन बन के आई है सर।
अब आ रही है हमारी प्यारी सी नन्ही परी हमारे मन मस्तिष्क पर अपने नृत्य का छाप छोड़ने। मेरा दावा है कुछ पल के लिए आप सब कुछ भूलकर हो जाएंगे, आप निर्भोर हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे इस क्षण में। तो आमंत्रित करती हूँ मिस जैस्मिन को। मुड़ के ना देखो दिल बरो,
एक बार फिर से रहेंगे तारे जलाने Music, sir. See, जैसे ही music हो जाएगा, he's the winner. Music. चप्पल वाले sir. 1, 2, 3, start. अरे
घड़ी बिखेर किसकी सबसे ज्यादा है, मतलब किसकी जूड़ा सबसे बड़ा है और सुंदर दिख रहा है। सारे आ जाइए, मछली उठ जाए, इन दो लोग का है, बस इन दो लोग का है। और फिर आइए आइए, अरे उधर से आइए, पीछे पीछे क्या है आ रहे हैं सब, सब पीछे करके खड़े हो जाइए, सामने सामने सब लोग साथ में खड़े हो जाइए। लक्ष्मी का जुड़ा पसंद किया गया, लक्ष्मी का जुड़ा पसंद किया गया। लक्ष्मी थैंक यू तो बोलो, और तालियां तो दीजिए बाकी सब लोग जो लोग खुले खुले बाल में आए हैं। अपने अपने मेकअप थोड़ा टचअप कर लिए ना, तो आज की नई नई है भाई, तीज में 16 श्रृंगार करके आना पड़ता है और 16 श्रृंगार में पायल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कौन पग पायल पहन के आए हैं दिखाइए दिखाइए, पायल झटकाते हुए सामने की तरफ आ जाइए देविया। पायल झटकाइए तो मैंने पायल है झटकाई, अब तो आजा तू भर जाए, ऐसे झटकाने में कोई भर जाए नहीं आएगा, थोड़ा साइल में। और कौन कौन पायल पहन के आए हैं आज, सुनीता जी आइए। वाह सुंदर है, झलक रहा है, झलक रहा है, हट जाए आएंगे सुनीता जी, ठीक है। चलिए आपकी पायल वाली गेम की विनर है सुनीता जी, एक बार दो लाख तालियां। जो साथ सजावट की गेम तो बहुत हो गई, अब थोड़ी अलग गेम करते हैं। अच्छा यहाँ से मैं चार वर्ड दे दूंगी, उस चार वर्ड में एक एक गाना गाना है, टाइम है 30 सेकेंड्स। कौन गाएंगे हाथ उठाएंगे, तो शर्मिला जी उसकी बात, कौन गाएंगे हाथ उठाइए जल्दी, टाइम स्टार्ट ना, 1 2 तीनों वर्ड होना चाहिए, नहीं तीन, आइए मैम के सामने आ जाइए। सोचिए सोचिए जल्दी, हाँ झूले पे जल्दी, टाइम निकल रहा है। चलिए मैम ने 1 मिनट का टाइम दिया है, सोचिए सोचिए कोई भी गाना। अच्छा नेक्स्ट दो लाइन में चलते हैं, झूम के नहीं झूला, किसी और को गाना है झूले पे, बोलिए बोलिए, अरे वाह वाह प्रियंका जी ने क्या ट्रिक किया है, रिवर्स में बोलना है ठीक है, जल्दी बोलेंगे नो रिपीटेशन, और 10 सेकंड का टाइम देंगे सोचने के लिए, मतलब 10 सेकंड में बोलना है टोटल ठीक है, ओके ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं। तीज सावन मेहंदी चूड़ी झूला बरखा, रिपीट करें मैम, ठीक है मेमोरी गेम है, रिवर्स में बोलना है, किसको याद है हाथ उठाइए, मैं 6 वर्ड्स बोली हूँ, 3 वर्ड्स नहीं बोली हूँ, आ जाओ मंजरी, सॉरी चूड़ी मिस हो गया कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया, कोई
घूमर 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 घूमे रे। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर बोलिए। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की ऊपर पिक्चराइजेशन है ऐसा एक गाना गाइए प्लीज। कल्चरल प्रोग्राम में वापस आते हैं। अभी आपके सामने अगली प्रस्तुति है हमारी सीनियर डी सर की, मिस्टर प्रसन्नजीत सरकार की। आ जाइए सरकार जी। थैंक यू सरकार जी, बहुत अच्छा गाना गाए हैं।
इसलिए हमारी कल्चरल नाइट की अभी लास्ट आइटम बाकी है, वो है एक डांस नंबर। हो रही थी बारिश पहले, हो रही थी बारिश पहले से ही, तुम्हारी याद आई तो बूंदे भी हंसी लगने लगी। इसी प्यार की बरखा में भीगती हुई हमारी सखिया आ रही है आज की हमारी लास्ट डांस आइटम पेश करने के लिए। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी ज्योत्सना, हर्षा, मंजरी, सबरी जी, आ जाइए। नीलकमल जी, प्रेमा जी, रश्मि, आ जाइए। जोरदार तालियों, जोरदार तालियां हमारी सखियों के लिए। हम जिसको भी गिफ्ट देना चाहें
आप रिजल्ट अनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइट ऑन कर ओके एनीवे 47 को थोड़ा ऊपर हो गया। मैं एक एक करके बताते जाता हूँ। आगे स्टार्ट करो सरप्राइज फॉर मी फर्स्ट टू गाइस ओके श्री बी एन सिंह है इन्हें मिले हैं 37 पलिया पलिया सबको दीजिए। श्री गौरव सिंह तुमको मिले हैं हमारे पंकज यादव 43 पॉइंट्स। विनर दशायन शाह। नेक्स्ट इज सेकंड प्राइज गोज टू गौरव तालियां तालियां तालियां। थैंक यू सर। पूछना है मुझे कि हम अपना कोई ईच कोई कंपटीशन करा रहे हैं या अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी सखियां जिन्होंने ग्रुप सॉन्ग ग्रुप डांस में जो पार्टिसिपेट किए हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं। जरा ईच क्वीन के लिए खड़े हो जाइए। मंजरी जो सबरी जी ईच क्वीन के लिए अदिति वेद जी स्मृति पेन दे दीजिए जिसके नाम का सबसे ज्यादा वोटिंग होगा सर को भी दे दीजिए। मेरा बारे में मैं क्या करूं आप क्या बोलूं। आप लोग का इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं आप लोग का साथ काम कर रही हूं मुझे अच्छा लग रहा है। वेलफेयर का काम करते हुए मुझे बहुत शौक भी है मुझे अच्छा भी लगता है। थैंक यू सर। वेरी गुड। हेलो मेरा नाम नीलकमल है और मेरी हॉबी है पढ़ना कविताएँ करना बस। हेलो माय नेम इज मंजरी मेरी हॉबी है घूमना। कहाँ कहाँ लेके गए मिस्टर ही अकेले। मैं शादी के बाद तो बहुत ही कम घूमने की छुट्टी नहीं मिलती। पहले क्या ही घूमा मैंने। अच्छा पहले क्या क्या शहर घूमे हैं। बहुत जगह में तो नाम तो बताइए। काठमांडू हिमाचल लुधियाना और बहुत दिन डेल्ही लिए तो घूमते हैं। तब तो हस्बैंड के लिए कुछ बचा ही नहीं घुमाने के लिए। इंडिया तो घूम ही लिया आपने। चलिए गुड इवनिंग। मेरा नाम किस्ता सरकार है और मेरी हॉबी ऑब्वियसली सिंगिंग है और बाकी खाली समय में थोड़ा पढ़ लेने के मन करता है लेकिन आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता है। वेरी गुड। मुझे अपने पेशेंट देखना अच्छा लगता है। वेरी गुड। हॉस्पिटल जाती हूँ अच्छा लगता है और बाकी तो समय नहीं मिलता है और हॉबी बची नहीं है। और कुछ गाती भी है। अच्छा डांस बहुत अच्छा करती है। कुकिंग अच्छा लगता है। कुकिंग अच्छा लगता है और सॉन्ग भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। सिंगिंग करना जी हाँ। कुकिंग में क्या क्या बनाती हैं खाना बताइए क्या क्या खिलाती हैं मिस्टर को। नान कुलचा जो बोल दीजिए वो बन जाएगा। अच्छा नान की रेसिपी बताएंगे। हाँ बताइए। मैदा हाँ बटर या मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा। हाँ बेकिंग सोडा बोलते हैं। और हल्का सा नमक हाँ हल्का गरम पानी हाँ उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको नान बनाते हैं हाँ उसमें पनीर फिलिंग करते हैं। थोड़ा चीनी भी डालते हैं क्या। चीनी नहीं डालते। नहीं ओके थैंक यू सुनीता जी। हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारी जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं बहुत अच्छा डांस करती हैं। माय नेम भी ज्योत्सना यादव और मुझे थोड़ा डांस करना पसंद है सबसे खेलना है। थोड़ा नहीं आप बहुत अच्छा करती हैं बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं। थैंक यू। मेरा नाम दशमी। अभी अगर हॉबी नहीं है तो पूरा करने में टाइम नहीं मिल
बच्चे को मिला है और मुझे इस तरह से छुट्टियों के बीच में रह के एंजॉय करना बहुत अच्छा है। गुड़ी तो बहुत ही हॉबी है। अच्छा घूमना फिरना तो बहुत ही हॉबी हो गई सभी लोगों की। और बताइए कहाँ कहाँ घूम के आए आप अभी या पहले से? पहले बाद में कुछ घूमी नहीं है क्या? क्या बताए कौन कौन से शहर है, कौन सा शहर आपको पसंद है? हाँ गुवाहाटी। अच्छा गुवाहाटी। ओके थैंक यू सो मच। बेटी बेटी की सारी बहुत अच्छी है। बेटी मैं बेटू है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अपनी दोस्तों के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। हाँ बेटी के हस्बैंड के लिए एक बात कहनी है मुझे जो मैंने स्पेशल सोचा था, तो बेटी ने उनकी वो चीज तो के दिखाई। My name is Aditi Bhavik, but music is not my shop. Thank you. Okay. मेरा नाम प्रसन्नजीत सरकार है, मैं सीनियरिटी पीआरडी हूँ। वैसे मैं और दो दिन इधर हूँ और और मेरा हॉबी है गाना सुनना, म्यूजिक कंपोजिशन, और भी बहुत सारा हॉबी है, गिनती बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता, तो जो टाइम मिलता है कुछ करता रहता है। आगे नमस्ते, मेरा नाम यूएल मिश्रा है, मैं यहाँ डीपीओ इंचार्ज के रूप में हूँ। ऐसे तो हॉबी है गाना सुनना और पुराने गाने सुनने, खासकर के एल सागर वगैरह का। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, आई एम वर्किंग एज डीसीएम कटिहार। हॉबी गाने सुनने थे और खेलना था, बट रेडियो से ज्वाइन करने के बाद थोड़ी कम समय मिलती है। हाँ? गाना गाते भी हैं? नहीं, गाना सुनता हूँ, वॉइस जैसी है इसमें अगर गाना। चलिए एक दो लाइन सुना दीजिए इसी बात। मेजॉरिटी अभी भाग जाएंगे अगर मेरी आवाज नहीं। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम कर लेंगे भैया, गाइए तो सही एक दो लाइन, ज्यादा नहीं सिर्फ दो लाइन में। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मन वाला कोई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। नमस्कार, मैं पवन कुमार, सीनियर डीएसओ कटिहार। मेरी हॉबी है हिंदी फिल्में देखना और हिंदी गाना सुनना। धन्यवाद। तब तो आप यादविंदु के गेम में फर्स्ट क्यों नहीं आए? हिंदी फिल्में देखना और सारे डायलॉग तो उन्होंने दिए ही थे। ये और देख रहा था। किसी टीच को इनको तो नहीं कही। चलिए आप कोई डायलॉग बताइए किसी मूवी का। गब्बर सिंह का डायलॉग सुना, गब्बर सिंह का ही डायलॉग सुना देता हूँ, सोने ही सबसे ज्यादा फेमस। शुरू ही क्या था सहनशाह से, रिश्ते में तो मैं तेरा बाप लगता हूँ। और भी सुना है? हाँ नहीं ठीक। अच्छा डीआरएम सर हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? ठीक है, टीच किंग का अवार्ड गोज टू सीनियर।
तीन को चूज किया गया है जो थर्ड नंबर पर है। वैसे अभी थोड़ा सस्पेंस है, आप सभी लोग एक बार आ जाइए, एक बार स्टेज पे सभी लोग आ जाइए। अच्छा नहीं, अच्छा नीचे आ, चल नीचे। Thank you.
भैया। हमें बताइए, हमें खुशी होगी। How to express my feelings about the evening today? It is an amazing effort by the ladies, and now you can see what a team effort can do. It has been an excellent evening, and I don't think anything could have been better than this. Thank you all. I'm so happy that you have worked together, and your hard work has paid well. So keep it up. It should. The teamwork should continue in every field. We are here at Katihar, away from our local area. So I think this way we can enjoy a lot and work together as a team. I thank you all for making this evening so pleasurable, so wonderful. That I don't have words to explain the effort. Thank you. Dear sir, mere mata pita, ladies, gentlemen, it has been matlab bahut samay baad bahut hi umda, bahut hi pyari, bahut hi sundar sham hum sab logon ne bitai. It was a great pleasure and a privilege to be among all of you. Bahut maza aaya. आई थिंक जैसे सर ने कहा है, वी नीड टू कॉन्टिन्यू दिस टुगेदरनेस. जीवन में काम और आनंद, ये दोनों साथ में चलेंगे. थैंक यू ऑल. आप लोगों ने हमारा जीवन सुंदर कर दिया, हमारे जीवन में एक बहुत ही प्यारा सा दिन डाल दिया, जो हम 80-90 साल के होंगे कभी याद करेंगे तो इस शाम को जरूर याद करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. भोजन तैयार है. आई एम श्योर आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा. इस फंक्शन की यादें हमेशा हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं जरूर रहेंगी. ऑन द बिहाफ ऑफ KIR WWO, आई एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू रिस्पेक्टेड DRM सर, ADRM सर, ब्रांच ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी फैमिली एंड किड्स के साथ यहाँ उपस्थित होकर इस फंक्शन में चार चांद लगा दिए हैं. आज के फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनके एफर्ट्स के बिना ये फंक्शन करना नामुमकिन था. आज के फंक्शन को मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ. उन सभी मेंबर्स को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस फंक्शन को इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया, डेकोरेट किया. और मैं हमारे कोरियोग्राफर मिस्टर SP मंडल एंड सिंगिंग ट्रेनर मिस्टर संतोष जी को धन्यवाद करती हूँ और सभी स्टाफ को धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू. गॉड ब्लेस. डिनर रेडी है, प्लीज ऑफिस पहले डिनर करेंगे. लेडीज का फर्दर छोटा प्रोग्राम है वो चलेगा. आप लोग प्लीज डिनर कीजिए.